शिवपुरी से हरिद्वार जा रही कलिंग उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा इतना भयानक था कि कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इस हादसे में कम से कम 23 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। मेरठ सहारनपुर रेलखंड में यह भीषण हादसा शाम लगभग 5:45 बजे हुआ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है, 23 लोगों की मौत हुई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक बोगियों को काटकर शवों को निकाला गया। इनमें से 26 लोग गंभीर रूप से जख्मी है, वहीं बाकी 71 को हल्की चोटें आई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद है, राहत बचाव का काम जारी है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिए।